गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी प्रीशियस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह, पीजीटी टीचर, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी, अरगोपुर कलान, जौनपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स, दैट इज नोन एज ड्रग एब्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ड्रग्स? ड्रग्स क्या है? तो मूड altering substances is known as drug. So what is the drug? mood altering substances that is known as drugs. इसी को हम क्या बोलते हैं? drugs, कि जो mood को change कर देता हो। अभी आप हम सभी लोग जानते हैं कि आपने देखा कि बहुत से ऐसे drugs होते हैं, they are very harmful इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। फिर भी हम मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो होते हैं, जो यूथ हैं, इस समय देखा गया है अबाउट 60% यूथ दे आर अफेक्टेड, वह ड्रग एब्यूज से अफेक्टेड है। उनको मालूम है कि दिस ड्रग्स जो डेंजरस ड्रग्स होते हैं, हैविंग ए लॉट ऑफ साइड इफेक्ट, हैविंग ए लॉट ऑफ इफेक्ट इन अवर बॉडी, बट उसके बाद भी वो लेते हैं। तो ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्ट्स जिसको आप बोल सकते हो, ये होने ही अच्छी बात नहीं है, इससे दूर होना चाहिए। क्योंकि ये जो होती है हमारे पूरी हमारी सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे भी आपको मैंने यहाँ पर आपको दिया कि 5 इम्पॉर्टेंट्स ये जो होते हैं चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इफेक्ट इन अवर बॉडी। तो फर्स्ट इज वर्ड ट्रांक्विलाइजर। तो ड्रग्स की अगर टाइप्स की बात करें तो बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं। ट्रांक्विलाइजर्स मीन्स क्या होता है? कॉम नर्वस सिस्टम्स जो हमारे नर्वस सिस्टम्स को शांत कर देता हो। इट मीन्स कब होगा? आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर अफेक्टेड विद द ड्रग्स से अफेक्टेड हो जाती हैं, और या ऐसे भी अब अफेक्टेड हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रांक्विलाइजर दिया जाता है जिससे कि नींद आती है। नर्वस सिस्टम जो एक्साइटेड था, हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, उसको वो कॉम कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स इज नोन एज ट्रांक्विलाइजर। सेडेटिव, जो सेडेटिव की बात आती है, तो सेडेटिव स्पेशली जो होती है ये भी एक तरह से आपको एंजाइटी में यूज होती है, इंड्यूसिंग स्लीपिंग जो स्लीप को इंड्यूस करती है। तो ट्रांक्विलाइजर इज ऑल्सो जो होती है इंड्यूसिंग स्लीपिंग, ये भी इंड्यूसिंग स्लीपिंग है, वो नर्वस सिस्टम को शांत कर रही है। इट मीन्स बोथ द ड्रग्स, ध्यान देना, बोथ द ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पर्सन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये दोनों जैसे भी ऑफ द पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर वो सफर कर रहा है तो वहाँ पर उनको दिया जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द हेलुसिनोजन्स। एंड द हेलुसिनोजन्स जो होता है प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन ह्यूमन बींग। व्हाट इज द हेलुसिनेशन, क्या होगा इसके बारे में गहन बात करें तो perception without external stimulus। इट मीन्स अगर दूसरे लैंग्वेज से सिंपल में कहा गया तो हेलुसिनेशन जो होता है इज ए टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स हमको कोई सामने दिख नहीं रहा है, परसेप्शन, हमने उसकी फीलिंग कर रहे हैं। अगर आप क्लास में बैठे हो और क्लास की फीलिंग आपको नहीं आ रही, किसी चीज़ दूसरे आपने परसेप्शन हो रहा है कि किसी एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस नहीं है, फिर भी उसके बारे में आपके इमेज, आपके ब्रेन में उसका इमेज बन रहा हो,
मतलब उस तरह से कहते हैं कि ये मेंटली प्रॉपरली वो फिट ऐसे पर्सन्स नहीं हैं, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन। तो कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो हमको हेलुसिनेशंस में ला देते हैं, तो ड्रग्स अच्छी चीज़ नहीं है। ड्रग्स बहुत से ऐसे हमारे, अभी हम जब बात करेंगे डिटेल्स में, बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमको एंजाइटी डिप्रेशन बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को लेने से आप सोचो कितने साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ये एक तरह से स्टिमुलस का काम करता है। स्टिमुलस में क्या करेगा, स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो हमारा नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट हो जाएगा तो हाइपर स्टिमुलेशन, मैंने क्या कहा है कि ऐसे कुछ पर्सन को देखा होगा कि नींद नहीं आती है रात को। नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट, वो रात में भी वो कुछ चलता रहता है, कॉम नर्वस सिस्टम्स नहीं हो पाता है। तो ये स्टिमुलेंट्स भी जो होते हैं, ये ड्रग्स में कुछ ऐसे होते हैं जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, स्टिमुलेट अवर नर्वस सिस्टम, अवर नर्वस सिस्टम्स आर हाईली एक्साइटेड, वो हाईली एक्साइटेड हो जाता है, देन प्रोड्यूसेस ए वेरी फास्ट नर्व कंडक्शंस वो देने लगते हैं। एंड द लॉस इज ओपॉइड्स इज ए वेरी डेंजरस गैस, अरे सॉरी डेंजरस ड्रग्स, वो डेंजरस ड्रग्स होती है। दे आर मोस्टली यूज कहाँ कहाँ पर इसका होते हैं, डिप्रेशन वो डिप्रेसेंट कर देगा पर्सन को, प्लस एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर या डिप्रेसेंट ला देता है, और एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जाता है। आज मोस्टली जब सर्जरी होता है, या ध्यान देना कि सर्जरी के टाइम जो पेन किलर्स दिया जाता है उसमें ओपॉइड्स ग्रुप्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो यहाँ पर हमने फाइव इंपॉर्टेंट्स, हमने ड्रग्स के इफेक्ट को देखा कि ड्रग्स ट्रांकुलाइजर के रूप में भी यूज हो रहे हैं, सेडेटिव्स जो हमारे सेडेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं, हेलुसिनेशंस कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं जो हमको हेलुसिनेट कर देते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, एज वेल एज ओपॉइड्स हमको डिप्रेशंस में ला देता है, एंड पेन किलर्स में भी यूज किया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में, जो आपको एनसीईआरटी के बुक में है, नंबर वन ओपॉइड्स दैट इज नोन एज ग्रुप ऑफ केमिकल्स, इसमें कई केमिकल्स आ सकते हैं। एंड द ओपॉइड्स इज अ टाइप ऑफ ड्रग्स, दे ऑब्टेंड फ्रॉम ए प्लांट, एंड द प्लांट इज नोन एज पाइपावर सोमनीफेरम, पाइपावर सोमनीफेरम, दिस इज द प्लांट। ये प्लांट्स होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ प्लांट जो होते हैं द ड्रग्स आर ऑब्टेंड, दैट इज नोन एज ओपॉइड्स। तो ओपॉइड्स इज ए टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ये इससे आए। तो पाइपावर सोमनीफेरस देन प्रोड्यूसेस ए फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज लैटेक्स ऑफ, इसी को पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, पॉपी प्लांट लैटेक्स ऑफ पॉपी और मिल्क ऑफ पॉपी, इसको मिल्क ऑफ पॉपी भी बोलते हैं। ये जो होते हैं, ये जो लैटेक्स होता है, दे प्रोड्यूसेस ए लैटेक्स, और ये जो लैटेक्स होता है, ध्यान देना, इसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन देन प्रोड्यूसेस ए वन कंपाउंड दैट इज नोन एज मॉर्फिन। ये मॉर्फिन्स, ध्यान देना कि यहाँ पर ये ऑब्टेंड किया गया। अब ये मॉर्फिन्स जो होते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ग्रुप्स, ये कैसा ग्रुप है, एनाल्जेसिक दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, पेन किलर, या पेन किलर्स के रूप में यूज किया जाता है। एंड दिस पेन किलर मोस्टली यूज्ड एट द टाइम ऑफ सर्जरी सर्जरी के समय इसको पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, क्लियर। तो एक इसमें हमने कहा कि पहला ये ड्रग्स ही इसको हो गया, फिर इसको कहा कि एक दूसरा भी ड्रग इसी के एसिटाइलेशन से, डाई एसिटाइलेशन
डाइएसिटाइलेशन का मतलब टू एसिटिल ग्रुप्स आर एडेड टू मॉर्फिन कॉम्पाउंड्स, आफ्टर दैट दे कन्वर्टेड इनटू हीरोइन। किसमें कन्वर्ट हो गया? दिस इज द अनदर ड्रग्स दैट इज नोन एज हीरोइंस, दिस इज द सेकेंड ड्रग्स एंड द हीरोइन इज ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? स्मैक, ऑल्सो नोन एज स्मैक के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये बात आती है कि वॉट इज द रोल ऑफ द हीरोइन इन अवर बॉडी, ये क्या रोल प्ले करता है? टू इंपॉर्टेंट रोल्स, डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट एंड स्लो बॉडी एक्शन, स्लो बॉडी एक्शन, बॉडी एक्शन, डिप्रेसेंट एंड स्लो बॉडी एक्शन। हम ये जानते हैं अभी हीरोइंस बड़ा कॉमन है, आपने देखा होगा क्योंकि हीरोइन जो पीने वाले लोग हैं, ठीक है, हीरोइन जो पीने वाले लोग होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बैठे रहेंगे, कुछ भी सोचने से उनकी थिंकिंग थॉट्स आती रहती है, उनके सामने से क्या जा रहा है कुछ पता भी ढंग से नहीं चलता, वो उनकी जो वो एक तरह से नॉन एनर्जेटिक जैसे दिखते हैं, उनका स्लो बॉडी एक्शन होने लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे अगर ड्रग्स को कोई अगर यूथ लेता है तो उसका बॉडी अफेक्टेड हो रही है, आप देख रहे हो, तो इससे हमको बचना चाहिए, ठीक है। तो मॉर्फिन एंड हीरोइन बोथ आर द ड्रग्स, दे आर बिलोंगिंग टू ओपॉइड्स, ठीक है। अब एक आपके एनसीईआरटी के बुक में एक डायग्राम्स ओपॉइड्स का बनाया गया है और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसको देख लें, हियर इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपॉइड्स, N and here the CS3. This is the diagrams of morphine. This is the diagram of morphine. So here the simple diagrams of the morphine. ये morphine का ये simple सा diagrams होता है जो NCERT books में आपको mention किया हुआ है, तो इस diagrams पर भी आपको questions पूछ सकते हैं, तो इसको भी हमको ध्यान में देने की बात हो गई, clear? Next, drugs is known as cannabinoids. ग्रुप कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ केमिकल है, होगा ग्रुप ऑफ केमिकल्स कंपाउंड, ग्रुप ऑफ केमिकल्स बिलोंगिंग टू कैनाबिनॉइड्स। अभी बात आती है, जैसे अभी उसमें हमने बात किया कि ओपॉइड्स they are obtained from the plants that is known as Pipavar somniferum. Similar way, यहाँ पर भी एक plant होगा, तो उस plant को यह ध्यान देना कि cannabinoids obtained from the plants, cannabinis, cannabinis sativa, sativa, this is the name of the plants. ये plants होते हैं, यहाँ पर से इसको निकालते हैं naturally, ध्यान देना कि नेचुरली, कि अगर हम बात करें नेचुरली, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, बिनॉइड्स ऑप्टेंड, ऑप्टेंड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स, ऑफ फ्लावर के इनफ्लोरेसेंस होते हैं, बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ केमिकल्स है कुछ इस, यहाँ पर जब अभी हम बात करेंगे द सम ड्रग्स दे आर ऑप्टेंड फ्रॉम लीव्स से होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ड्रग्स का नाम लेंगे, तो ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर होंगे, इसका नाम यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लिया जाए, चरस, मैरिजुन्ना, भांग, गांजा, भांग, गांजा, जो चरस है ये जो ऑप्टेंड फ्रॉम, ऑप्टेंड फ्रॉम ड्राइड रेजिन्स, ड्राइड रेजिन ऑफ प्लांट्स,
ड्राइड रेजिन ऑफ प्लांट्स। देखो ये जो ड्रग्स होते हैं आइदर दे आर इनहेल्स और इंगेस्ट, तो ये दो तरह से बॉडी के अंदर जाते हैं, आइदर इनहेलेशन, आइदर इनहेलेशन और इंगेशन, या उसको हम खा लेते हैं या तो इनहेल करते हैं। तो जो चरस है, ध्यान देना, ये जो चरस, दिस इज द टाइप ऑफ ड्रग्स जो हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं बाई इनहेलेशन प्रोसेस, इनहेलेशन प्रोसेस, ठीक है, ये इनहेलेशन से लेते हैं, हमारे नाक के द्वारा लेते हैं। मैरिजुन्ना जो होता है ये भी ऑप्टेंड, ये जो ऑप्टेंड किया जा रहा है ऑप्टेंड फ्रॉम ड्राइड फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स, ड्राइड फ्लावर एंड टॉप लीफ ऑफ फीमेल प्लांट्स। और ये भी जो होते हैं, ध्यान देना कि ये जो मैरिजुन्ना की जब बात कर रहे हैं, तो ये भी जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं बाई इनहेलेशन प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट इज द भांग। अगर हम भांग की बात करते हैं तो भांग के बारे में हम बात करें तो ध्यान देना कि ये लीफ से निकालते हैं, ठीक है, ड्राइड एंड फ्रेश लीव, फ्रेश और ड्राइड लीव ऑफ प्लांट्स से ये निकालते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इंगेस्ट करते हैं, इंगेशन प्रोसेस से ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया कि अभी आपने दो जो देखा बोथ आर इनहेल विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर बॉडी के ले रहे हैं, बट भांग जो अनदर टाइप ऑफ ड्रग्स जो दे आर बिलोंगिंग टू द कैनाबिनॉइड्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश आर ड्राइड लीव्स ऑफ दिस प्लांट, कैनाबिस सैटिवा का ही ये सब प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एंड द गांजा की अगर हम बात करें, अनफर्टिलाइज्ड इनफ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर, तो वहां से लिख दो जो फर्टिलाइज नहीं होंगे उससे ऑब्टेन करते हैं, एंड दे आर मोस्टली इन अगर बॉडी के अंदर जो होते हैं बाई इनहेलेशन प्रोसेस, ठीक है, ये इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। तो अभी तक जो हमने आपको बात बताया कि कैनाबिनॉइड्स क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम व प्लांट दैट इज नोन एज कैनाबिनस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवा, दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। नेचुरली द कैनाबिनॉइड्स कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, बट दे हैविंग ए डिफरेंट ग्रुप्स बिलोंगिंग ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स बिलोंगिंग टू द कैनाबिनॉइड्स, चरस, मैरिजुन्ना, भांग, गाजा, ये ऑल द ड्रग्स की अगर हम बात करें आइदर इनटेक करेंगे और इनहेल इन आवर बॉडी। तो देर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, इसके थ्रू जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ये ड्रग्स जाते हैं। तो जो चरस होता है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड रेजिन्स ऑफ प्लांट, दिस इज द प्लांट प्रोडक्ट, ये रेजिन्स ये प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट होता है, उससे बनाते हैं, चरस बनता है। और ये जो चरस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो जाता है बाई इनहेलेशन प्रोसेस, वह इनहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल। मैरिजुन्ना ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर एंड टॉप लीफ ऑफ फीमेल प्लांट्स एंड दे और हमारे अंदर जो जा रहा है बाई इनहेलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो, बट द भांग्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट्स, ध्यान देना वह कौन सा प्लांट है, कैनाबिस प्लांट, दे आर इंगेस्ट इन अवर बॉडी, इंगेस्ट करते हैं।
और ये जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर से ऑप्टेन किया गया एंड इंटर इन अवर बॉडी बाय द इनहेलेशन प्रोसेस। अब ये बात आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स, इनका इफेक्ट क्या हमारे बॉडी के अंदर होता है, इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। नेक्स्ट इज द इफेक्ट टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। नंबर वन इज द हेलुसिनेशन एंड इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ध्यान देना है कि इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये ब्रेन में भी होते हैं, ब्रेन मोस्टली, ठीक है, ओनली ब्रेन। हेलुसिनेशंस का मतलब पहले भी बात मैंने अभी किया था कि परसेप्शन विदाउट, ध्यान देना, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन। मतलब हेलुसिनेशन एक तरह से इज ए टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट मींस दीज ड्रग कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स जो होते हैं अफेक्ट अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, और जब ब्रेन अफेक्टेड होगा तो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज आपको अंदर बॉडी के अंदर आ जाती है, एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दैट इज नोन एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें दो चीज़ें होंगी, हार्ट होंगे एंड ब्लड वेसल्स, ये हमारे तो इसको इफेक्ट करेगा, जिससे कि हमारी बीपी जो होती है हाई, ब्लड प्रेशर्स हो जाएगा, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं ये ड्यू टू कैनाबिनॉइड्स आती हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा डायग्राम्स आपके बुक में मेंशन किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो आपने द सिंपल डायग्राम्स ऑफ द कैनाबिनॉइड्स, हियर इज द फिगर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स, हियर इज द फिगर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम्स आर मेंशन इन हियर, ये इस डायग्राम्स को आप देख सकते हो। तो इस डायग्राम को भी आपको एनसीईआरटी के बुक में मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप्स की बात कंप्लीट यहीं पर होती है। थर्ड इज कोकेन आर कोकाइल कोलॉइड्स, कोकेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और कोका एल्कलॉइड्स। द अनदर टाइप ऑफ ड्रग्स, ये की बारे में बात हो रही है, ऑप्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट्स, बाय इसी प्लांट से क्या होते हैं, दिस ड्रग्स आर ऑप्टेंड, यहाँ से ऑप्टेंड किया जाता है, ठीक है। और ये जो कोकेन्स होते हैं इनटेक इन और बाई इनहेलेशन प्रोसेस से हमारे बॉडी के अंदर ये जाता है। अब ये बात आती है कि व्हाट इज द रोल, ये इसका रोल क्या है, इंटरफियर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन दैट इज नोन एज डोपामाइन। व्हाट इज द रोल ऑफ द डोपामाइन, बेसिकली अगर इसके बारे में देखा है कि बैलेंस द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, ये क्या करता है, बैलेंस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो क्या करता है, ये बैलेंस बनाए, एक बार हम जैसे किसी भी चीज़ को देखकर काफ़ी हाइपर एक्साइट हुए, फिर हमको वो नॉर्मल में करता है डोपामाइन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करेगा कि ये कोकेन्स क्या करेगा, इंटरफियर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, जहाँ पर जाना चाहिए हमको बैलेंस बनाना है कि फिर हम एक्साइटेड स्टेज के बाद नॉर्मल स्टेज में आ सकें, उसमें डोपामाइन्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। बट ऐसा अगर नहीं होगा, अगर इंटरफियर हो जाएगा, वह नहीं जा पाएगा वहाँ पर,
तो वो एक्साइटेड स्टेज में ही रहने देता है ज्यादा समय तक। तो एक सिम्टम्स आता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, उस सिम्टम्स को बोलते हैं यूफ्रोविया। वह क्या आएगा? यूफ्रोविया, यूफ्रोविया, यूफ्रोविया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। और फिर वह नॉर्मल में जल्दी नहीं आता है, एज वेल एज इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, एनर्जी लेवल भी बॉडी में बढ़ जाती है, काफी हाइपर एक्टिवेट, एक्साइटेड हो जाता है, काफी खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डोपामाइंस उस समय, ध्यान देना है कि इस ड्रग्स को अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ा। ध्यान देना, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स का मतलब कि दोज हार्मोन्स रिलीजेस फ्रॉम अवर नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलीज होगा, दिस हार्मोन इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। क्लियर? तो ये चीजों को ध्यान में देगा, इसका जो रोल होता है यूफ्रोविया कर देता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस हमको ला देता है और एनर्जी लेवल्स भी जो होती है वो इंक्रीजेज होती है। तो मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं आज, जो ये ही ड्रग्स बैन है, जो एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स इसी को प्रीफर करते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में वो मेंशन भी किया हुआ है, तो क्योंकि उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस को दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट से निकाला जाता है, बेलाडोना इन दिस नेम ऑफ द प्लांट्स एंड सीड ऑफ धतूरा। यस, एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट का नाम है एंड सीड ऑफ धतूरा, सीड ऑफ धतूरा जो होते हैं बोथ सो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी। ये क्या शो करते हैं? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी, हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज, हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब वही मेंटल डिसऑर्डर। इसको क्या हमने बार बार बोला है कि हमको मेंटली डिसऑर्डर कर देगा, डिप्रेशन मिला देगा, एंजाइटी आ जाएगी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको अगर हम यूज करते हैं, इस प्लांट के जो हम ड्रग्स आते हैं अगर यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, टोबैको, नेक्स्ट इज द टोबैको, टोबैको जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इट उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, इट कंटेन्स निकोटीन। वह क्या होता है? उसके पास निकोटीन होता है, और ये जो निकोटीन्स जो होते हैं, ये जो आते हैं एक्ट ऑन, किस पर एक्ट ऑन? एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स पर एक्ट करेंगे। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट किया, आफ्टर दैट रिलीजेस, रिलीजेज इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन ये हार्मोन्स होंगे, और नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, और ये जो इपिनेफ्रिन एंड नॉर इफ्रिन बोथ आर दी हार्मोन्स, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं और ये बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज, इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी एंड इंक्रीज, इंक्रीज हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देना कि अगर आप टोबैको ले रहे हो, टोबैको को आप ले रहे हो, तो उसके पास एक निकोटीन कंपाउंड होगा, वो निकोटीन दे आर वेरी डेंजरस इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए वो डेंजर, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगी, आफ्टर दैट देन प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन। इट मीन्स ये इमरजेंसी पीरियड में निकलता है हार्मोन, हमेशा अगर बॉडी में निकलने लगेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा, हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करे, हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट अटैक के चांसेस बन सकते हैं, हार्ट कोलैप्स के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग से लीड टू कैंसर, इससे क्या हो रहे हैं? कैंसर हो रहे हैं। ठीक है, और स्मोकिंग से अपने लंग कैंसर्स हो रहे हैं। टोबैको च्यूइंग, टोबैको अगर आप चबा रहे हो, अगर च्यूइंग कर रहे हैं, तो इससे जो हो रहा है आज ओरल कैंसर,
जो ओरल कैंसर हो रहे हैं ड्यू टू टोबैको च्यूइंग के कारण से हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो ड्रग्स हैं जो नेचर्स में पाए जाते हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, आवर बॉडी के लिए वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है, तो उससे हमको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको लेना नहीं चाहिए क्योंकि हैविंग ए लॉट ऑफ साइड इफेक्ट इन आवर बॉडी। अब लास्ट में कुछ ड्रग्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, उस ड्रग्स का यूज कुछ मेंटल डिसऑर्डर जो पेशेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी जो यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लें। यस, द सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स यूज फॉर द पेशेंट ट्रीटमेंट्स। फर्स्ट ड्रग्स इज नोन एज बेंजाडाइजापाइन, सेकेंड इज बारबिट्यूरेट्स, थर्ड इज द एम्फेटामाइन एंड द लास्ट इज द मॉर्फिन। ध्यान देना कि जो बेंजाडाइजापाइन्स ये दो तरह के रूप में यूज हो रही है, सेडेटिव, ध्यान देना, ट्रैंक्विलाइजर एंड सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर एंड सेडेटिव, ठीक है। एंड बोथ आर यूज्ड एट द टाइम ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ पेन किलर के रूप में भी यूज की जाती है, पेन किलर एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के टाइम ये यूज किया जाए। तो एंजाइटी या डिप्रेस कोई पर्सन होता है तो उसको सुलाया, कॉम नर्वस सिस्टम को कॉम कर दिया जाता है, क्यों, शांत कर दिया जाता है कि जिससे कि उसकी स्लीपिंग जो डिस्टर्बेंस हुई है, ध्यान देना ये स्लीपिंग ड्रग्स है, ऐसे बारबिट्यूरेट भी होती है, ये भी एंटी, ये आपको एक तरह से कर सकते हो कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, ये भी एक तरह के क्या है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स होते हैं मोस्टली यूज क्या होते हैं, फॉर स्लीपिंग, ये स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे इसकी बात करें, ये बोथ द ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर स्लीपिंग। अगर आप स्लीपिंग डिस्टर्ब हो रही है तो डॉक्टर इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है। एम्फेटामाइन्स ये एंटी स्लीपिंग, एक तरह से देखा जाए एंटी स्लीपिंग ड्रग, एंड दिस ड्रग्स हैविंग ए लॉट ऑफ साइड इफेक्ट। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को देखा जाए, जब उनका एग्जाम आता है तो ऐसे कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना समझकर इस ऐसे ड्रग्स कंपाउंड को ले लेते हैं, और कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको नींद ना आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते, बट इसको लेने से साइड इफेक्ट क्या होगा, उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बाद में उनको नींद की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे ड्रग्स को लेना नहीं चाहिए, ये एंटी स्लीपिंग ड्रग्स है, इससे हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। एंड मॉर्फिन को अभी हमने पहले भी बताया कि ये एक तरह से क्या है, पेन किलर होता है, ये पेन किलर है, और ये पेन किलर ये ज़्यादा ये यहाँ पर इसको अगर इसको हटा दिया जाए तो ये इसको यहाँ पर ये दो कुतले ज़्यादा यूज करते हैं, पेन किलर में भी कुछ ये ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल होता है, ये पेन किलर होगा, मोस्टली यूज एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी के टाइम इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑल द ड्रग्स आर कंप्लीटेड इन हियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।